पहला जे का पिक, उसके बाद एक्सी का पिक। डेथ मेकर ने दो बड़े फ्रैग निकाल कर दिए, उसके बाद एवरीवन फ्रॉम द वीएलटी डिस्टर्ब्ड द बट कोई भी नहीं देख रहा था। वीएलटी एलएफ एंड डोमा कंप्लीटिंग द डील एंड सिक्योरिंग ग्राउंड फॉर वीएलटी। अब बस देखना है कि उन शेरिफ्स के बताओ क्या किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं तो उनको डैमेज बढ़ जरूर रहा है। दो पिक्स निकाले जरूर गए थे डेथ मेकर, हालांकि उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी तीन खिलाड़ी बचे उनके लिए अपनी टीम के लिए एक और राउंड निकाल करके लेकर गए। काफी खुश लग रहे हैं, वैसे अच्छी कोशिश है, लेकिन जो स्पाइक की टिक टिक है वो तो दिक्कत दे रही है। एक और पिक निकला जरूर है, तीसरा शायद उनके पास हो सकता है। आखिरी ब्लेड था बट दैट डजंट मैटर, एक वो चीज रहेगी जो इस टीम को चाहिए ही चाहिए। डेथ मेकर थोड़ा आगे जा चुके हैं, वो एक खिलाड़ी को देख रहे थे और पिक भी करेंगे, बट लुक एट दैट, एकल स्टेक्स द मेन मैन डाउन, दैट वाज एस्ट्रो। अब ये कि ये क्या ये होता है या नहीं, रियलिटी का नॉट 3 के साथ थोड़ा सा, ओह माय गॉड, डेथ मेकर रिन्यूअल की लेफ्ट की थोड़ा मुश्किल रहेगा, यहां पर सीधा राइट पे करके कंफर्म करा, बट इट वाज अ यहां पर है कैन बी प्रॉब्लम, यहां पे तेज रश करते हुए दिखेंगे, बट आई थिंक एक सैंडविच सिचुएशन के अंदर खुद ही फंस गए। हेलेप गेट इन डबल, हिक्का ने ट्रेड करा, बट ये कब तक टिक पाएंगे डेथ मेकर का टेलमेंट, वेट श्योर कि ही डजंट को पिक करेंगे। डेथ मेकर 50 एचपी पर है, इनफैक्ट ट्रेड के अंदर चले जाएंगे, रेक्स इज द लास्ट मैन, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। Well, yes, it was 2-12. नहीं टिक पाएंगे अगर ऐसा ही राउंड गया, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी बचे हैं से 30 एचपी, मतलब खत्म हो सकते हैं डेथ मेकर विद अ 3K वेलोसिटी। कोई खैर इस्तेमाल कर भी नहीं सकते किसी चीज का, फाइट तो लेनी पड़ेगी। इंग्लैंड ने स्पॉट किया, डाउन किया, दूसरे को कोचने की कोशिश थी, बट टैकल्स वाज जस्ट बेटर, क्योंकि दो खिलाड़ियों ने काम कर सकते, बट डेथ मेकर काफी एग्रेसिव, बट गॉडल के जो कैरमेल है ही वाज रेडी एंड उनको कोई भी चांस ही लेना था, एंड ही वांट टू गो फॉर दैट फ्रैग, उन्होंने डबल फ्रैग निकाले। डेथ मेकर ने दो बड़े प्लेयर गेम से बाहर, बट यहां पर स्मोक से बाहर निकलने की कोशिश, नो आईडिया, इट्स थर्ड फॉर कैरमेल, ही इज लविंग इट, जो भी उनके हिस्से में आ रहा है इज लविंग इट। कैन ही गो फॉर द फोर्थ वन, वो एक बड़ा सवाल रहेगा, ही स्पॉट्स अनदर वन, लेकिन मुझे लगता है थोड़े शॉट पे फॉर है, लेकिन नहीं शॉट आता है, पांचवा कैरमेल गोस रियली बिग, वन दो पिक निकाले, तीसरे को भी हेडिंग दिया, व्हिच इज प्रीटी गुड। एक्सीक्यूशन सही हो सकता है या नहीं देखने वाली बात, एक ट्रिप्ली निकालने की कोशिश, एंड वेल बढ़िया खिलाड़ी आ चुके हैं और बिल्कुल सामने आ चुके हैं डेथ मेकर। वंस अगेन अ मिस्टेक, और उस मिस्टेक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और सिर्फ वो नहीं, उनके पीछे जितने टीममेट्स आ रहे हैं वो भी उसी मिस्टेक के अंदर फंस रहे हैं। अब यहाँ पर ये बाय राउंड था, वो भी फोर्स, लेकिन बात ये आती है कि स्पाइक बी साइड पर जाएगी या नहीं, एंड देयर इट इज, एलएफ टेकिंग कैरमेल डाउन, उन्होंने सब किया इस मोमेंट के लिए, पर क्या ये मोमेंट वेन में जाएगी? वेल 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 Nice try is what there is. That is needed. One ek khiladi versus ek khiladi. Astro the top fragger versus Excali. Jo ki apne mind ke sath zyada games khelte hain. Pata chal chuka hai aakhri khiladi ka. Astro seedha taan ke khade hai, lekin wo zaruri nahi hai. Zaruri ye hai ki velocity seedha taan ke jeetegi.